कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चूचू जो भी करती उसमें अव्वल रहती। कई बार उसने प्रतियोगिताओं में पहला इनाम भी जीता और पहला इनाम जाता है चूचू को। हुर्रे! एक दिन चूचू की टीचर मिस डोरथी ने चूचू की कक्षा में पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों, कल विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है, जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। चूचू बहुत उत्साहित थी पेंटिंग प्रतियोगिता को लेकर। वो जानती थी कि वो ही जीतेगी। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छा चित्र पेंट करूँगी और इनाम भी जीतूंगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने रंग और ब्रश लेकर स्कूल आए। मिस डोरथी ने सभी को शीट्स दी और फिर बच्चों, तुम सबको बनाना है एक जंगल। जैसे ही तुम खत्म कर लोगे, फिर जजेस उन्हें देखकर सबसे अच्छी पेंटिंग को इनाम देंगे। और फिर चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। जब चूचू की पेंटिंग बन गई, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा जंगल कितना सुंदर है, और फिर वो मुझे इनाम भी देंगे। चूचू और सभी बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग मिस डोरथी को दे दी। मिस डोरथी ने सभी पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया और फिर जजेस ने उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। कुछ समय बाद जजेस ने विजेता की घोषणा की। सबसे अच्छी पेंटिंग का इनाम मिलता है चीका को। हुर्रे! चूचू ये जानकर बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा मेरा चित्र बहुत सुंदर था, पता नहीं जजेस ने मुझे इनाम क्यों नहीं दिया। चूचू मिस डोरथी के पास गई। मैंने इनाम क्यों नहीं जीता मिस डोरथी? क्या मेरा चित्र अच्छा नहीं था? मिस डोरथी जानती थी कि चूचू को कैसा लग रहा था और फिर वो चूचू को सभी चित्र दिखाने ले गई। चूचू, तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा था, पर मैं तुम्हें दूसरे बच्चों के भी चित्र दिखाती हूँ। मिस डोरथी ने चूचू को सभी बच्चों के बनाए चित्र दिखाए और चूचू ने देखा कि वो सभी बहुत सुंदर थे। हाँ, ये सभी चित्र बहुत अच्छे हैं। मिस डोरथी ने फिर चूचू को चीका का चित्र दिखाया।
चूचू ये देखो चीका की पेंटिंग। वाह मिस डॉर्थी, चीका की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ चूचू, जजेस को भी ये पसंद आया। और क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चित्र को इनाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे चुना। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए चूचू, कि हम बहुत बार अच्छे होते हैं, पर और भी बहुत लोग हैं जो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं, और इसीलिए हमेशा अव्वल आना या जीतना मुमकिन नहीं होता। समझी? समझ गई मिस डॉर्थी। हाँ चूचू, पर याद रहे तुम्हें कभी हार नहीं माननी और अपनी कोशिश जारी रखनी है, ताकि तुम बेहतर और बेहतर हो सको। चूचू को अब इनाम ना जीतने पर बुरा नहीं लग रहा था और उसने ज्यादा अभ्यास करने की ठानी, ताकि वो अगली प्रतियोगिता में बेहतर कर सके। एक दिन मिस डॉर्थी ने कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, कल स्कूल में चित्रकारी की एक प्रतियोगिता होने वाली है, तो तुम सबको एक एक आकार चुनना होगा और उन आकारों की मदद से कुछ चीजें बनानी होंगी। जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। मैं बनाऊंगी उन चीजों को जो है चौकोर। और मैं बनाऊंगा वो चीजें जो है आयताकार। जो चीजें मैं बनाऊंगा वो होंगी अंडाकार। चूचू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सोच में पड़ गई थी कि कौन सा आकार चुने। चीकू चौकोर आकार की चीजें बनाएगी, चीका आयताकार चीजें बनाने वाला है, और कसली की चीजें अंडाकार होंगी। मैं कौन सा आकार चुनू? जब चूचू घर पहुंची, तो उसने अपनी माँ को प्रतियोगिता के बारे में बताया। माँ, कल स्कूल में चित्रकारी प्रतियोगिता है, मुझे वो चीजें बनानी है जो किसी आकार की होंगी, मैं कौन सा आकार चुनू? चूचू की माँ बहुत मददगार थी, उन्होंने चूचू की समस्या सुलझाने में मदद की। चूचू, क्यों ना तुम अपने आसपास नजर घुमाओ और जरा देखो तुम्हें कौन सा आकार नजर आ रहा है, फिर तुम अपनी पसंद का कोई भी आकार बना सकती हो। अच्छी तरकीब है माँ। तो चूचू ने इर्द गिर्द देखना शुरू किया। ये टीवी आयताकार है, दरी है चौकोर, और मेज पर रखा ये तरबूज है गोल। मुझे पता है मैं क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी एक गोल तरबूज। चूचू, क्या तुम और चीजों के बारे में सोच सकती हो जो आकार में गोल हो और दिखने में भी अच्छी हो? चलो अब जरा सोच कर बताओ मुझे और थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, तुम उनमें से कुछ बना सकती हो। चूचू ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही उसके दिमाग में बहुत सी गोल चीजें आ गईं। सूरज गोल है, चांद गोल है, केक और पिज्जा भी गोल होते हैं, स्कूल बस के पहिए भी गोल हैं, और पापा की कार के भी। तो एक बच्चे का चेहरा भी तो अच्छा और गोल होता है। जिन गुब्बारों से हम खेलते हैं और जो आइसक्रीम स्कूप्स हमें पसंद है, वो भी तो गोल ही होते हैं। चूचू ने चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए इनमें से कुछ चीजें बनाने के बारे में सोचा। फिर चूचू की माँ के पास उसके लिए एक और तरकीब थी। चूचू, गोल चीजें बनाने की बजाय क्यों ना तुम
एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें बहुत सारी गोल चीजें हों। हाँ, एक चित्र जिसमें बहुत सी गोल चीजें हों। हाँ हाँ चूचू, चलो बताओ तुम्हें एक गोल केक कहाँ देखने को मिलेगा? गोल गुब्बारे, एक गोल पिज्जा, एक गोल चेहरे वाला खुश बच्चा और स्वादिष्ट आइसक्रीम के गोल गोल स्कूप्स। मुझे पता है, जन्मदिन की पार्टी में। अगले दिन चित्रकारी प्रतियोगिता थी। चूचू ने एक जन्मदिन पार्टी की तस्वीर बनाई जिसमें बहुत सी गोल चीजें थीं। गोल गुब्बारे, एक गोल जन्मदिन का केक, गोल स्कूप्स आइसक्रीम के, गोल पहिए ट्राइसिकल के, एक खुश दिल बच्चा गोल चेहरे के साथ, एक गोल पिज्जा जिसे सब बांट रहे हैं, और एक गोल सूरज जो आसमान में चमक रहा है। मिस डॉर्थी और जजेस चूचू के बनाए चित्र से बहुत प्रभावित हुए। आप सभी ने उन आकारों के चित्र बनाए हैं जिन्हें आपने चुना है, और आप सबने ये बहुत ही अच्छा बनाया है। पर चूचू ने सभी गोलाकार के चीजों को एक जन्मदिन के सीन में दिखाया। इसके बाद मिस डॉर्थी ने जीतने वाले की घोषणा की। बच्चों, तुम सभी ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है, पर चूचू ने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और अपनी चुनी गोल चीजों को एक जन्मदिन पार्टी के सीन में डाल दिया, और इसीलिए जजेस ने चूचू को इनाम देने का फैसला किया है। बहुत अच्छे चूचू। धन्यवाद। चूचू का इनाम था एक गोल चॉकलेट से भरा डिब्बा। माँ, मैं अपना इनाम आपके साथ बांटूंगी। आखिरकार आप ही ने तो मुझे सोचने में मदद की थी और अपनी कल्पना से बनाने को कहा। चूचू माँ के साथ चॉकलेट्स को बांटकर बहुत खुश थी, और वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी कि उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें बाहर नहीं जाना है? अरे हाँ चीका, हम भूल गए थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। हमें कुछ समय तक घर पर ही रहना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर सी राजकुमारी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। मेरे पास है कपकेक्स और मेरे पास है डायनो। मेरे पास है होमवर्क